ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी, प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपसे चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे मंथ में यानी मई का महीना 2023 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव आपके ऊपर इसके घटित होंगे, इसकी आपको जानकारी देंगे। आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपके फैमिली, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, संतान, सुख, विद्या, एजुकेशन, तरक्की, उन्नति, शत्रु और आप बीमारी की स्थिति, आपका दाम्पत्य, वैवाहिक जीवन, आपके विवाह संबंध, आपके प्रेम संबंध, तरक्की, उन्नति, विदेश यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। मित्रों, यह फलादेश चंद्राशि पर है। चंद्राशि नहीं मालूम है तो वर्षित नाम से देख लीजिए और एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी मेष राशि में संचार कर रहे हैं, 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन अभी आपके मंगल आपके मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और 10 मई को अपनी नीच कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बुध मेष राशि में संचार करेंगे, देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में संचार करेंगे, शुक्र आपके वृष में रहेंगे लेकिन 2 मई को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं, राहु आपके मेष राशि में और केतु आपके तुला राशि में ही आपके ग्रह गोचर की स्थिति। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मीन राशि वाले जातकों के ऊपर मई का महीना यानी मंथ में 2023 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभ अशुभ यानी शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। तो मित्रों, यहाँ पर जो है स्थिति आपकी बन रही है, यह स्थिति शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, कार्य करने की शैली में आपको बदलाव आएगा, आपकी इच्छा शक्ति व्हील पावर स्ट्रांग होगी, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट आपका होगा, आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा। जो भी धर्म कर्म पूजा पाठ चैरिटी आप करेंगे, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होगा और धैर्य संयम रखते हुए निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। पारिवारिक दृष्टि की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम, 15 तारीख तक उच्च के आपके सूर्य हैं, यहाँ पर बुध आदित्य योग भी बन रहा है, बुध भी वहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन वहाँ राहु भी है तो ग्रहण दोष भी बन रहा है, गुरु चंडाल दोष भी बन रहा है, बुधादित्य दोष भी बन रहा है और चतुर्थ ग्रह योग भी बन रहा है, तो यहाँ थोड़े मिश्रित फल मिलेंगे। परिवार के बीच में थोड़े मतभेद तो डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं लेकिन फिर पैचअप भी हो जाएगा। आप थोड़ा क्रोध उत्तेजना से बचें और अपनी वाणी के ऊपर बोलचाल लैंग्वेज ठीक रखें, थोड़ा बुद्धि विवेक का परिचय दें तो स्थिति आपके अनुकूल बनी रहेगी। भविष्य के लिए निवेश करना है सोच समझ कर, शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को आप करें। कोई पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद हो सकता है लेकिन अंततः सफलता आपको मिलेगी, आपके पक्ष में स्थिति बनेगी। जमा धन कोष बैंक बैलेंस में कमी भी आ सकती है और उसमें वृद्धि भी हो सकती है, यानी यहाँ पर थोड़े से मिश्रित फल आपको मिलेंगे। वैसे चिंताजनक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका ठीक रहेगा, 15 तारीख के बाद अचानक से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और साथ में वैसे भी सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक रहेगा लेकिन 15 तारीख को जब सूर्य ट्रांजिट करेंगे आपके थर्ड हाउस में तो अचानक से आपके आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि होगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, तो नेम फेम इम्पोर्टेंस आपकी बढ़ेगी, आपकी अहमियत बढ़ेगी। जो नकारात्मक सोच आपके अंदर चल रही थी सकारात्मक सोच में तब्दील हो जाएगी। छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए संबंध बनेंगे, वहाँ आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, अहमियत बढ़ेगी, यश मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, वहाँ से लाभ गेन करेंगे। छोटे भाई बहन, मित्र और पड़ोसी, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, उनके बीच में भी आपकी इंपॉर्टेंस अहमियत बढ़ेगी, नए संबंध स्थापित होंगे और उनसे लाभ गेन करेंगे। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं तो स्थिति ओवरऑल ठीक रहेगी, तो कोई निर्णय लेना चाहे तो आप ले सकते हैं लेकिन 10 तारीख तक थोड़ा सोच समझ कर, थोड़ा कोई भी निर्णय 10 तारीख तक थोड़ा सोच समझ के लें, उसके बाद कोई निर्णय ले लें। सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, कोई प्रयास कर रहे हैं आप, मकान लेना है, भूमि लेनी है, कोई संपत्ति लेनी है, मकान लेना है तो प्रयास कीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सुख संसाधनों में वृद्धि होगी लेकिन थोड़ा सा अपने माता जी की हेल्थ का ध्यान रखिए, उनका आशीर्वाद बनाए रखें और बाकी तो यह स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। संतान पक्ष को लेकर 10 तारीख के बाद थोड़ी चिंता, टेंशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, यानी आपको भी हो सकता है और डिसीजन लेने की पोजिशन नहीं, थोड़ी क्रोध उत्तेजना की स्थिति और संतान को लेकर संतुष्टि के भाव में कमी, संतान से कोई मतभेद डिफरेंसेस 10 तारीख के बाद क्रिएट हो सकता है, उनकी हेल्थ या विवाह शादी, नौकरी, बिजनेस या पढ़ाई में तरक्की उन्नति में कोई प्रॉब्लम, जिस वजह से आप थोड़े चिंतित रहे, ओवरऑल संतुष्टि के भाव में थोड़ी कमी आ सकती है संतान पक्ष को लेकर, और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी थोड़ा एकाग्रता के भाव में कमी, थोड़ा
उत्तेजना की स्थिति, लेकिन आप धैर्य और संयम बरतें और एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई अपना प्रयास करते रहें। कोई मास्टर्स करना है, कोई कोर्स करना है, कोई डिग्री लेनी है, प्रयास कीजिए, अंततः आपको सफलता भी ज़रूर मिलेगी, लेकिन थोड़ा धैर्य और संयम रखिए, किसी भी उत्तेजना से बचें। शत्रुओं का दमन होगा, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं के बीच में आपका वर्चस्व, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। कर्जे की बीमारी की स्थिति से जूझ रहे हैं, वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी, लेकिन थोड़ा प्रयत्न, संघर्ष, मेहनत थोड़ा आपको अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन उसके शुभ फल भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं तो स्थिति ओवरऑल ठीक है, पति पत्नी में कोई मतभेद डिफरेंस से दूर होंगे, या एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित थे तो कोई परेशानी चल रही थी, एक दूसरे के प्रति संतुष्टि के भाव में कोई कमी थी, लेकिन अब संतुष्टि के भाव में वृद्धि होगी, एक दूसरे के संबंधों पर गाढ़ता मजबूती आएगी, लाभ बेनिफिट सहयोग एक दूसरे का प्राप्त होगा, नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे, कोई विवाह शादी के संबंध सूत्र बन सकते हैं, आपका रिश्ता हो सकता है, सगाई हो सकती है, नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, व्यवसायी हैं, बिजनेस में, अन्य पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, तो जो प्रयास मेहनत करेंगे आपको सफलता भी ज़रूर मिलेगी। लेकिन तरक्की उन्नति में थोड़ी सी बाधाएं, थोड़ा यहाँ पर आपको मेहनत, संघर्ष, प्रयत्न आपको अधिक करने पड़ेंगे, और स्पेशल मेरी आपको सलाह कि पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खासतौर से 10 तारीख के बाद, और उनसे व्यर्थ लाप, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें, कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट मत होने दें, अगर आपको उनकी बात कोई समझ में आए तो उनके सामने मौन रहें, नहीं तो पिता की तरफ से कोई लॉस, कोई नुकसान आपको यहाँ पर हो सकता है, कोई मतभेद डिफरेंसेस भी क्रिएट हो सकते हैं, या कोई पिता की तरफ से कोई लॉस, कोई नुकसान, हानि, विदेशों की यात्राओं में कोई व्यवधान, रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आप प्रयास जारी रखें, थोड़ा सावधानी बरतें, अंततः सफलता भी प्राप्त होगी। लंबी दूरी की यात्राओं में सावधानी बरतें, आध्यात्मिकता के भाव में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन आप जिस भगवान का, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, आप निरंतर पूजा पाठ अपनी करते रहिए, तो निश्चित रूप से आपको भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा। करियर व्यवसाय की दृष्टि से स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, या कोई अन्य कार्य करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई है, व्यापारी हैं, उसमें कोई चेंजेस, कोई बड़ा बदलाव लाना चाह रहे हैं, नौकरी आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, तरक्की उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। बिजनेस में कोई तरक्की, कोई इंक्रीमेंट्स करने हैं, वृद्धि करनी है, विस्तार करना है, चेंजेस लाने हैं, आप ला सकते हैं, जितना प्रयास करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर शुभ फलों की भी प्राप्ति होगी। अच्छी स्थिति, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। सोर्स ऑफ इनकम, 10 तारीख के बाद मंगल की उच्च की दृष्टि वहाँ पर पड़ेगी, 10 तारीख के बाद अचानक से किसी बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ सकता है, जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, बड़े भाई बहन, मित्र और उनके बीच में इंपॉर्टेंस, अहमियत बढ़ेगी, उनसे कोई लाभ गेन करेंगे। जो जातक विदेशों में, थोड़ी संघर्ष की स्थिति तो रहेगी, लेकिन तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, थोड़ी मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, आपका विदेशों से कोई संबंध, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई अन्य कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, थोड़े अपने संबंधों को ठीक बनाए रखें, थोड़ा ध्यान दीजिए, किंतु थोड़ा पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, लेकिन तो बाद में स्थिति आपके अनुकूल भी आ जाएगी। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है तो थोड़ा सावधानी बरतिए। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस, इसकी अपनी अहमियत होती है, लेकिन आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली हमारे पास नहीं होती, हम ये चंद्र राशि के ऊपर फलादेश कर रहे हैं, ये आधा फलादेश है। कंप्लीट सटीक फलादेश तब होता है जब आपकी जन्म कुंडली हमारे सामने आ जाए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली, जो लगन कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, उसकी मेन इंपॉर्टेंस होती है, वो आपकी ज़िंदगी का आधार है, इस ज़िंदगी का दर्पण है, आईना है, और पिछले जन्म का आपका प्रारब्ध है, पिछले जन्मों के कर्म है। तो जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, आपकी जन्म कुंडली भी और ये फलादेश जो हम चंद्र राशि के ऊपर जो आधारित है इसको आपको बता रहे हैं, जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, इनका एनालिसिस होता है, तो शत प्रतिशत परिणाम देखने को मिलते हैं, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं और सटीक फलादेश आपके सामने आता है। अगर मीन राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर, हालांकि आप शनि की 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं, ये आप सभी जानते हैं, 7.5 साल के लिए आपके ऊपर 7.5 स्टार्ट हो चुकी है, आप शनि के प्रभाव में चल रहे हैं, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल आपके पक्ष में चल रही है, तो मान के चलिए ये मई का महीना मंथ में आपके लिए लाभदायक, तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा, और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी शनि या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, और शनि की स्थिति भी आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, तब निश्चित रूप से आपके ग्रहों के दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे,
और कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आपके सामने समय समय पर खड़ी हो सकती हैं। आपके कामों में अड़चने रुकावटें आ सकती हैं, परेशानियाँ आपकी बढ़ सकती हैं। तो मित्रों, एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। उपाय के तौर पर जरूरी बनता है ओम गंग गणपते नमः 108 times, ओम शं शनिश्चराय नमः 108 times और श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार को हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। शनिवार को पीपल के वृक्ष पर प्रातःकाल या संध्या काल में काले तिल कच्चा दूध पानी मिलाकर जय शनिदेव कहते हुए जल चढ़ाएं और 3 प्रदक्षिणा करें। और शनिवार के सायंकाल भी आप शनि की आरती करें, थोड़ा सा गुड़ से बना हुआ प्रसाद चढ़ाएं। काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। श्रद्धा विश्वास के साथ अगर आप ये उपाय करते हैं और कंटिन्यूटी में लगातार करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे और तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।